अब हम आते हैं सैद दिना साले अलम के किस्से की तरफ दिन गुजरते गए और लोग एक बार फिर इबलीस लईन के वसवासे में आकर कुफर की तरफ पलट आए क्योंकि इबलीस किसी भी शख्स को वसवासे में डाले बगैर नहीं छोड़ता इस तरह एक बार फिर कुफर फैल गया चुनाचे अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए साले आलाम को मबूस फरमाया ये समूद के पोतों में से एक अरबी नबी थे इनका नस्बनामा इस तरह है सालेह बिन उबैद बिन सयाफ बिन माशिह बिन उबैद बिन हाजिर बिन समूद बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम गोया साले अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कौम समूद से था और ये कौम कौम आद की नस्ल से थी समूद की कौम ने यमन को खैरबाद कहा और जजीरे से शिमाल की तरफ मुंतकिल हो गए फिर वहां हिजर नामी एक बस्ती में जा ठहरे कुरने करीम की सूरत उल हिजर इसी बस्ती के नाम से मौसू है कौम आद का तस्करा सूरतुल हिजर के अलावा सूरत आहकाफ और सूरह में भी है, है। अल्लाह ताला तूरतल हिजर आयत अस्सी में फरमाते हैं और हिजर वालों ने भी रसूलों को झुटलाया हिजर कौम समूद का मरकजी शहर था अब वो मदायन सालेह के नाम से मशहूर है ये शहर मदीना मुनवरा के शिमाल मगरब में 380 किलोमीटर के फासले पर वाक है ये लोग भी पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे ये सनत और कारीगरी उन्होंने कौम आद से विरासत में पाई थी अल्लाह तूरतल फजर आयत नौ में फरमाते हैं और कौम सम के साथ क्या किया जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशे थे कुरने मजीद में अल्लाह ताला एक मकाम पर फरमाते हैं और हमने कौम आद और समूद को गारत किया जिनके बाद मकान आपके सामने जाहिर हैं। उनके मकान उनकी तबाही से लेकर अब तक मौजूद हैं। शाम के रास्ते में खैबर तैमा से तबूक तक कौम समूद के आसार पाए जाते हैं ये लोग किस तरह पत्थर तराश तराश कर घर बनाते थे अल्लाह ताला ने तूरतल आराफ आयत चौहत्तर में इसका जिक्र किया है إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها تتخذون قصورا وتنحتون الجبال بيوتاً उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें कौमियात के बाद जानशी बनाया और तुम्हें जमीन पर रहने का ठिकाना दिया कि नर्म जमीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर उनमें घर बनाते हो सो की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद मत फैलाओ ये आयत उनकी ताकत जिसम की सलाहियत और माहिर फन होने पर दलील है पहाड़ों को तराशना दरअसल कौम आद की आदत थी ये भी चूंके उन्हीं से थे इसलिए विरासत में ये काम इन्हें भी आ गया था जिस तरह अल्लाह ने आद को अपनी नमतों से नवाजा था इसी तरह समूद को उनसे बढ़कर नमतें दी थी अल्लाह सलाम की जुबानी उनसे फरमाते हैं कौमे क्या तुम्हें इन चीज़ों में बेफिक्री से रहने दिया जाएगा यानी बागात, चश्मों, खेतों और खजूरों में जिनका खोशा मुलायम है और तुम पहाड़ों को तराशकर कर पुरतक घर बनाते हो बस अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो लेकिन उन लोगों ने हर तरह से कौम आद की पैरवी की नसीहत पकड़ने की बजाय बुतों की इबादत शुरू कर दी अल्लाह ने उनके दरमियान को मबूस नबूवत मिलने से पहले भी अक्लमंद और लोग उनसे मशवरे लेते थे लिहाजा इन्हें एक खास मकाम हासिल था लेकिन जब आपने उन्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने उसके सिवा किसी की इबादत न करने की दावत दी तो उनका साथ छोड़ गए जवाब में उनसे कहने लगे صالح قبل هذا. ऐसा ले इससे पहले तो हमारे नजदीक आपका बहुत मरतबा था मकान था हमें आपसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन आपने तो ये बातें कहकर हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया उनके इस जवाब के बावजूद साल सलाम उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और उनसे कहते रहे मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं तमाम अम्बिया की अपनी अपनी कौम को यही दावत थी कि ए लोगो अल्लाह की इबादत करो उसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया है उसी ने तुम्हें जमीन में आबाद किया है उससे मुआफी तलब करो यकीनन मेरा रब करीब है और दुआओं को कबूल करने वाला है ऐ मेरी कौम तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी कर रहे हो अल्लाह से मुआफी क्यों नहीं मांगते कि तुम पर रहम किया जाए अल्लाह से डरो मेरी इताद करो हद से गुजर जाने वाले बेबाक लोगों की इताद से बाज आओ वो मुल्क में फसाद फैला रहे हैं और इसलाह नहीं करते हुम की तरह अपनी कौम को नसीहत की लेकिन उन जालमो ने भी इसी तरह कुफर किया जैसे कौम आद ने किया था कहने लगे ये कैसे हो सकता है कि हम अपने में से एक शख्स के ताबे हो जाएं? इस अकेले की इतनी ज्यादा फजीलत की आखिर क्या वजह है हम नहीं मान सकते कि हम में सिर्फ इसी एक पर अल्लाह की बातें नाजिल होती हैं फिर वो इससे भी आगे बढ़े और अल्लाह के नबी को खुले अल्फाज में परले दर्जे का झूठा कहा जादूगर कहा फिर ये सरकश और काफिर लोग साले अलह सलाम के साथ ईमान लाने वाले कमजोर गरीब लोगों को मुखातिब करके कहने लगे क्या तुम साले पर ईमान रखते हो हम तो इसके मुनकिर हैं। इस तरह साले अलह सलाम दिन रात उन्हें दावत देते रहे यहाँ तक कि ये लोग साले अलह सलाम ऐसी कहने लगे तुमने और तुम्हारे साथियों ने हमारे अंदर नहुसत फैला रखी है और इसीलिए हम मुश्किल और मसाइब का शिकार हैं, लिहाजा तुम हमसे दूर हो जाओ साले अलही सलाम ने उन्हें दिया, तुम, तुम फिते वो लोग साले अलही सलाम से मुकम्मल तौर पर दुश्मनी करने लगे और उन्होंने आपको यहां तक कह दिया कि आप हमारी मजलिस में ना आया करें क्योंकि आप मनहूस हैं फिर बात यहाँ तक पहुंची साले सलाम ने उन्हें अल्लाह के आजाब से डराया धमकाया और कहा यह कौमी तुम तुम अल बी नो

और उसने मुझे अपने पास से रहमत अता की हो फिर मैंने उसकी नाफरमानी की तो कौन है जो उसके मुकाबले में मेरी मदद करे तुम तो मेरा नुकसान ही बढ़ा रहे हो यानी फर्ज करो अगर मैं हक पर हुआ और यकीनन मैं हक पर हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी नबूवत से भी नवाजा है फिर भी मैं तुम्हारी बातों में आकर उसकी नाफरमानी करूँ तो बिलाशुबा उस वक्त मैं घाटे में हूँगा और तुम भी खसारा पाने वाले हो इस पर वो जालिम लोग मुकाबले पर उतर आए कहने लगे अगर तू सच्चा है तो कोई मोजा ले आ, लेकिन वो आवजा हमारी मर्जी के मुताबिक हो इस सूरत में हम जरूर ईमान ले आएंगे आप ऐसा करें कि बस्ती के किनारे पथरीली चटान में से दूध देने वाली दस माह की हामिला ऊटनी निकालें, उसका रंग सुर्ख हो साले से ये मुताबा करके वो सरदार लोग एक तरफ बैठ गए और मजाक उड़ाने लगे एक कहने लगा ऊँटनी दस माह की हो हामला हो दूसरा कहने लगा लाजमी तौर पर उसका रंग सुर्ख हो फिर एक तीसरा सरदार बोला उसकी खाल पर बहुत ज्यादा हो चौथा बोला मोटी ताजी हो हमने पहले इस किस्म की ऊँटनी देखी ना हो पांचवा बोला वो इतनी बड़ी हो की अकेली एक दिन तमाम कुएं का पानी पी जाए और दूसरे रोज हम पिए ये लोग इसी तरह मजाक उड़ा रहे थे कि साले अलहलाम ने उनसे कहा अगर तुम्हारी मतलूबा ऊटनी तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे सबने मिलकर कहा हाँ जरूर ले आएंगे साले अलहलाम ने फरमाया तब तुम एक दिन सब लोगों को जमा कर लो मुकर दिन वो लोग जमा हो गए उनकी मौजूदगी में साले अलहलाम ने अल्लाह से दुआ की जमीन पर जलजला तारी हुआ उनकी आंखों के सामने चटान फटी और उससे बिल्कुल वैसी ही ऊटनी निकली जैसा कि उनका मुतालबा था उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी ऊटनी कभी नहीं देखी थी उसमें वो तमाम सिफात मौजूद थी जिनका जिक्र इन लोगों ने किया था अल्लाह ताला साले सलाम की जुबानी सूरह आयत चौसठ में फरमाते हैं ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب ऐ मेरी कौम ये अल्लाह की भेजी हुई ऊंटनी है ये तुम्हारे लिए एक मोज़ा है अब तुम इसे अल्लाह की जमीन में खाती हुई छोड़ दो और इसे किसी तरह की तकलीफ न पहुंचाओ वरना फौरी अजाब तुम्हें आ पकड़ेगा इस ऊंटनी को चूंके किसी ऊंटनी ने जन्म नहीं दिया था इसलिए इसको नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की ऊंटनी कहा गया फिर साले अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगो सुन लो एक दिन ये ऊटनी पानी पिएगी एक दिन तुम पियोगे तुम में से कोई इसे तकलीफ न पहुंचाए, वरना अल्लाह का बदतरीन अजाब तुम पर नाजिल होगा सूरत-ul-कमर में अल्लाह फरमाते हैं बेशक हम ऊँटनी को उनके लिए आजमाइश बनाकर भेज रहे हैं तुम सब्र के साथ उनके अंजाम का इंतजार करो इस निशानी के जहूर के बाद अल्लाह ताला ने अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके फरमाया तुम अब देखते रहो कि इनका अंजाम क्या होता है इनकी सख्तियों पर सब्र करो इनसे कह दो कि पानी पर एक दिन इनका इख्तियार होगा और एक दिन इस ऊंटनी का खबरदार कोई ज्यादती न करे और इस ऊंटनी को पानी पीने से न रोके सूरत उस शम्स में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनसे अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया था कि अल्लाह की ऊंटनी की और उसके पानी पीने की बारी की हिफाजत करो यानी उसे ना तो पानी पीने से रोको और ना ही उसे कोई तकलीफ पहुंचाओ इस मोजे को देखकर लोग दो ग्रोहों में बट गए बहुत कम लोगों ने सलाम की पैरवी की उन पर ईमान लाए जबकि अक्सर लोग फिर भी अपने कुफर पर डटे रहे अल्लाह ताला फरमाते हैं उन लोगों ने खुद मोजे का मुतालबा किया था लेकिन उसको अपनी आंखों से देखने के बावजूद जुल्म पर अड़े रहे और कुफर पर इसरार करते रहे सूरतुल हिज्र आयत इक्सी में अल्लाह फरमाते हैं और निशानियां भी अता फरमाई थी लेकिन फिर भी वो उनसे गर्दन मोड़ने वाले ही रहे इसी तरह सूरा बनी इसराइल में अल्लाह फरमाते हैं हमने कौम समूद को निशान के तौर पर ऊटनी अता फरमाई थी लेकिन उन्होंने उस पर जुल्म किया बिलाशुबह वो एक वाज़ेह निशानी थी कोई शख्स ये नहीं कह सकता था जहाँ चाहती चरती जब कुएं पर पानी पीने जाती तो सारा पानी पी जाती वो लोग उसका दूध पीते दूध सबके लिए काफी हो जाता उनकी आंखों के सामने उसने एक बच्चे को जन्म दिया वो शक्ल सूरत में बिल्कुल अपनी माँ जैसा था लोग उसे देख कर करते बच्चा ऊंटनी के साथ रहता ये एक वाजह निशानी थी उस पर जादू का गुमान किया ही नहीं जा सकता था। वो उंटनी एक अरसे तक उन लोगों में रही। अल्लाह फरमाते हैं, हमने कौम समूद को बतौर निशान के एक ऊटनी दी थी लेकिन उन्होंने उस पर जुल्म किया हालांकि ये निशानियां हम लोगों को डराने के लिए ही भेजते हैं वो लोग इस ऊंटनी को देखकर मुताजिब जरूर हुए लेकिन ईमान फिर भी बहुत कम लोग लाए हालांकि इस निशानी के बाद उन्हें चाहिए था ईमान ले आए फिर एक दिन कौम के सरदारों ने मशवरा किया कि अगर हमने साले को इसी तरह छोड़ दिया तो कहीं लोग हमें न छोड़ दें और साले के पैरोकार बन जाएं। इस उठनी ने तो हमें मुसीबत में डाल दिया है हम पूरा एक दिन पानी को छू भी नहीं सकते क्योंकि ये सारा दिन पानी पीती रहती है फिर ये इस कदर देव हैकल है कि इसे देखकर हमारी बकरियां भाग जाती हैं ऊंट इसे देखकर खौफजदा हो जाते हैं लिहाजा हमें चाहिए आखिर उन्होंने एक आदमी मुंतब किया मास्पर इतफाक है कि उसका नाम कुदार बिन सालिफ था उसके साथ उसका एक साथी भी था इन दोनों ने मिलकर ऊटनी को कत्ल किया अल्लाह कमर आयत उनतीस और तीस में फरमाते हैं फिर उन्होंने अपने साथी को बुलाया तब उसने हाथ बढ़ाया और उसकी कोचे काट दी फिर देखा हमारा आजाब और डरावा कैसा था इस उदार के बारे में नबी करीम वसल्लम का इरशाद है कि पहले लोगों में से सबसे ज्यादा बदब्त यही था अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसका जिक्र यूं फरमाया है फना फिर उन्होंने अपने साथी को पुकारा सूरत शम्स में अल्लाह फरमाते हैं जब उनमें बड़ा बदबخت शख्स उठ खड़ा हुआ बदबخت कुदार उठा अपने साथी को साथ लिया और ऊंटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए आपस में मशवरा हुआ कि ये ना कहा जाए हमने उसे कत्ल किया है इस तरह बाकी लोगों ने भी इनसे इत्फाक किया अल्लाह ताला तूरय नमल आयत 48 में फरमाते हैं नौ आदमी ऐसे थे जो जमीन में फसाद करते थे और इसलाह नहीं करते थे मतलब ये की ये लोग फसाद की इंतहा को पहुंचे हुए थे उनमें भलाई नाम को नहीं थी और ना उनका फसाद की इसलाह का इरादा था बुखारी मुस्लिम और मुस्द अहमद की एक हदीस में है रसुल्ला की तिलावत करते हुए फरमाया कि जैसे अबू जमा था इसी जैसा ये शख्स भी अपनी कौम में अजीज दिलेर और बड़ा आदमी था तमाम लोगों ने उस बदबक के साथ आहद किया और उसे यकीन दहानी कराई कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुराई का इरादा किया तो तमाम कौम तुम्हारी हिमायत में उठ खड़ी आती थी और पानी पीकर वापस चली जाती थी यही उसका मामूल था जब इन लोगों ने चटान से ऊटनी को निकलते देखा तो अचानक हमला करने के लिए आगे बढ़े लेकिन उसका जुस्सा देखकर खौफजदा हो गए उल्टे पांव भागे बदबخت कुदार ने अपने साथियों की यह हालत देखी तो हंस पड़ा और आगे बढ़कर ऊंटनी की रान में तीर मारा इससे ऊंटनी की रान की हड्डी टूट गई और वो नीचे गिर गई फिर उस जालिम ने अपने साथियों को आवाज दी और आगे बढ़कर ऊंटनी की कोंचें काट दी सूरत शम्स में अल्लाह ताला फरमाते हैं उन लोगों ने अपने पैगंबर को झूठा समझकर उस ऊंटनी की कोचे काट दी बस उनके रब ने उनके गुनाहों के बायस उन पर हलाकत डाली और फिर हलाकत को आम कर दिया और उस बस्ती को बर्बाद कर दिया ऊँटनी की कूचे काट दिए जाने के बारे में अल्लाह ताला एक दूसरे मकाम पर फरमाते हैं कि बस उन्होंने ऊँटनी को मार डाला और अपने परविगार के हुक्म से सरताबी की और कहने लगे ऐसा लिन अजाबों ऐसी तू हमें धमकाता रहता था अगर तू वाकई पैगम्बर है तो उन अजाबों को हम पर नाजिल करा दे पर हमला होते ही उसका बच्चा भाग निकला था वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया तीन मरतबा बिल, बिल ये उसके पीछे भागे और आखिर उसे भी कत्ल कर दिया। फिर तमाम बस्ती वाले जमा हुए और उसके बच्चे का गोश्त तैयार किया और मजे के साथ उसको खाया इस जुर्म में उन सब ने शिरकत की अलबत्ता जो लोग साले सलाम पर ईमान ले आए थे वो अलग थलग रहे को जब ये खबर मिली तो वो घबराए हुए के पास पहुँचे ऊटनी बेजान पड़ी थी उसका बच्चा भी बेजान था लोग उनके गिर जमा थे और उनका गोश्त खा रहे थे इस वक्त साल सलाम ने उनसे कहा कहा की अच्छा तुम तीन दिन तक अपने घरों में रह सहो ये वादा झूठा नहीं है मतलब ये तुम्हे सिर्फ तीन दिन की मोहलत है इसके बाद तुम सब के सब हलाक किए जाओगे वो साले अलम की बात को रद्द करते हुए उन्हें धमकियाँ देने लगे की जिन अजाबों का तू हमसे वादा कर रहा है अगर तू सच्चा है तो उनको हम पर नाजिल कर दे इसके बाद वो जमा होकर मशवरा करने लगे कि आज रात सालेह को भी मार डालो उनके इस मशवरे के बारे में अल्लाह ताला सूरतमल आयत 48 और उनचास में फरमाते हैं इस शहर में नौ सरदार थे वो जमीन में फसाद फैलाते रहते थे और इसलाह नहीं करते थे उन्होंने आपस में बड़ी बड़ी कस्में खा खा कर रात ही को साले और उसके घर वालों पर छापा मारेंगे और उसके वारिसों से साफ कह देंगे कि हम उसके अहल की हलाकत के वक्त मौजूद नहीं थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं अब ये लोग साले सलाम के घर की तरफ चले अल्लाह नमल आयत 50 और 51 में फरमाते हैं ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين قرآن सो हमने भी एक ऐसा दाव खेला कि उन्हें खबर भी न हुई फिर देखो कि उनके दाव का क्या अंजाम हुआ हमने उन्हें और उनकी सारी क़ौम को हलाक कर दिया साले का घर पहाड़ की बुलंदी पर था ये फसादी लोग अभी ऊपर चढ़ रहे थे कि जमीन हरकत करने लगी एक चट्टान ऊपर से लुढ़कती हुई आई और उन तमाम को पीस कर रख दिया उन नौ फसादी लोगों की हलाकत के साथ ही अल्लाह के अजाब की इब्तिदा हो चुकी थी चुनाचे समूद के तमाम लोगों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे वो सब रोने लगे क्यूँकी अजाब के आसार शुरू हो चुके थे दूसरे दिन तमाम लोगों के चेहरे आग की तरह सुर्ख हो गए और तीसरे दिन तमाम के चेहरे स्या हो चुके थे अपनी ये हालत देखकर सब लोग रोने और चीख पुकार करने लगे अपनी खबरें खोदने लगे अब उन्हें यकीन हो चुका था कि अजाब का वादा बर हक था अल्लाह ने उन्हें पहली कौमों की तरह एक किस्म का अजाब नहीं दिया था जैसे कौम नूह को सिर्फ तूफान के जरिए हलाक किया गया कौम आद को सिर्फ तूफानी हवा के जरिए हलाक किया गया लेकिन कौमे समूद को अल्लाह ने तरह तरह के अजाबों से दोचार किया। के उन्होंने अपनी मतलूबा शर्त होने के बावजूद इसकी वजह से वो लोग अपने घरों में ओंधे के ओंधे पड़े रह गए उनमें उठने की ताकत तक न रही फिर आसमान में सख्त कड़ाका हुआ उसकी हौलाक दहशत अंगेज चिंगघाड़ ने उनके भेजे फाड़ कर रख दिए एक ही लम्हे में एक साथ वो सब ढेर हो गए उनकी हलाकत और तबाही को बयान करते हुए अल्लाह ताला सूरत जारियात आयात तैतालीस ता पैतालीस में फरमाते हैं فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وفي قصة जब उनसे कहा गया कि तुम कुछ दिन तक फायदा उठा लो लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की इस पर उन्हें उनके देखते देखते तेज़ तुंत कड़ाके ने हलाक कर दिया बस न तो वो खड़े हो सके और न बदला ले सके इसी तरह सूरहूद में अल्लाह ताला ने उनकी तबाही का नक्शा इस तरह खींचा है कि एक जोर की कड़क ने उन जालिमों को आ लिया फिर तो वो अपने घरों में जानू के बल मुर्दा पड़े रह गए ऐसे गोया के वो कभी आबाद ही न थे सूरत-ul-कमर में अल्लाह ने उनकी फिर वो ऐसे हो गए जैसे कांटों की बाढ़ का चूरा दूसरी तरफ साले सलाम और उनके साथियों को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नजात दी अल्लाह सूरह सूरहूत आयत छियासठ में फरमाते हैं صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ, ال من خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا ہم نے صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے اس سے بچا لیا और उस दिन की रसवाई से भी यकीनन तेरा परवर निहायत तवाना और गालिब है। इस कौम आज तक बाकी है। के शिमाल मगरब में इनके घर है। अब ये इलाका मदाइन सालेह के नाम से मशहूर है सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं बस ये उनके घर हैं जो उनके जुल्म के सब वीरान पड़े हैं बेशक इसमें दानिशमंदों के लिए निशानियां हैं अल्लाह ताला ने उनके निशानात को आज तक बाकी रखा है ताकि बाद में आने वालों को यकीन हो जाए और किसी किस्म का शक न रहे अजाब के आसार नमूदार होने पर सालेह सलाम ने उनसे फरमाया था ऐ मेरी कौम मैंने तुम्हें अपने परवरदिगार का हुक्म पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हारी खैर की लेकिन तुम लोग खैर को पसंद नहीं करते इसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ वहां से हिजरत करके फिलस्तीन आ गए वहीं रमल्ला नामी बस्ती में रहने लगे और यहीं आपकी वफात हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किराम सहा के साथ तबूब तशीफ ले गए तो आपने मदायने साले के करीब क्याम फरमाया था साहबा ने उन कुओं से पानी ले लिया जो कौम समूद के इस्तेमाल में रहे थे कुछ बर्तन भी वहां से ले लिए आपको पता चला तो आपने हुक्म फरमाया इन बर्तनों को तोड़ दो और इस पानी को बहा दो और इस पानी से जो खाना तैयार किया है अजाब नाजिल हुआ था आप वसल्लम ने फरमाया मैं डरता हूं तुम पर भी ऐसा अजाब ना जाए जैसा उन पर आया था इसलिए उनके इलाके में दाखिल ना हुआ करो और अगर दाखिल होना पड़ जाए तो रोते हुए दाखिल हुआ करो और रोना ना आए तो रोने जैसी शक्लें बना लिया करो ताकि तुम्हारा शुमार जालिमों में न हो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल इ समूह आगा रहो कौमे सम ने अपने रब से कुफर किया सुन लो इन समूदियों पर फिटकार है कुरान में इनका किस्सा छब्बीस ऐसी मरतबा बयान किया गया है इसके बाद लोग ईमान की हालत में अम चैन की जिंदगी बसर करने लगे लेकिन फिर नए सिरे से इनमें खराबी पैदा हुई शैतान ने फिर अपना काम दिखाया उनके दिलों में वसवासा डाला और फिलस्तीन इराक मिस्र और जजीरे के नवाही इलाकों में शिरक फैल गया लोग एक बार फिर कुफर की तरफ पलट पड़े इस पूरे किस्से में चंद इबरतें हैं आइए जरा उनका भी जिक्र हो जाए अल्लाह तला की ऊँटनी अगरचे सैद ना साल की नबूवत का एक निशान थी उनकी सच्चाई का सबूत थी लेकिन कुरान करीम की वजाहत यह है कि वो कौम समूद की आजमाइश के लिए थी और वही उनकी हलाकत का निशान साबित हुई जैसा कि सूरत कमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक हम ऊटने को उनकी आजमाइश और इम्तिहान के लिए भेजने वाले हैं पस्तू उनके इंतजार में रह और सब इख्तियार कर सुन्नतुल्लाह ये रही है कि अगर वो अपने पैगंबर को किसी कौम की हिदायत के लिए भेजे और कौम उसकी हिदायत पर कान न धरे तो जरूरी नहीं कि वो कौम हलाक कर दी जाए लेकिन जो कौम अपने नबी से इस वादे पर निशान तलब करे कि अगर उनका मतलूबा निशान जाहिर हो गया तो वो ईमान ले आएंगे और फिर निशान आ जाने के बाद वो ईमान न लाए तो उस कौम की हलाकत यकीनी है अल्लाह फिर उस कौम को मुआफ नहीं करते जब तक कि वो तायब न हो जाए और अल्लाह के दिन को कबूल न करे या अजाब इलाही से सफाई हस्ती से मिट कर दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाए लेकिन इस सुनत करीम सलम की उम्म मुस्तना है इसलिए की आप सल्हम ने वजाहत फरमायी है मैंने अल्लाह तुआ मांगी है की अल्लाह तेरी उम्मत में अजाब आम मुसलत न फरमाए और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली कुरान में अल्लाह तबी करीम सलम की इस बात की यूं तस्दीक की हैसूल इस हाल में कि तू इनमें मौजूद है अल्लाह तन काफिरों पर आजाब मुसलत नहीं करेगा और ये एक खतरनाक गलती है नफ्स का धोखा है कि इंसान ऐशो इशरत और दुनियावी जाहू जलाल को देख कर ये ख्याल कर बैठे ये गुमान कर ले की जिस कौम या फर्द के पास ये सब कुछ मौजूद है वो जरूर अल्लाह ताला के साय में है और ये कि उनकी ये खुश ऐशी इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला की खुश नूदी उनके साथ है ये नफ्स का धोखा है गलत फाहमी है बल्कि कज फाहमी है कुरान करीम के इस वाके में जगह जगह इस बात की वजाहत है बाज़ औकात ज्यादा से ज्यादा खुश ज़्यादा अजाब का पेश होती है अगरचे कौमों के लिए उसकी मुद्दत चंद माह या चंद साल नहीं बल्कि घबरा देने वाली मुद्दत ही क्यों न हो मगर हर किस्म की दुनियावी कामयाबियों और खुश ऐशियों के साथ जब जुल्मी और गुरूर किसी कौम का मुस्तकिल शर बन जाए तो समझ लो उसकी तबाही और हलाकत का वक्त करीब आ पहुंचा अल्लाह ताला फरमाते हैं तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है लेकिन इसके साथ ही ये बात भी है कि किसी कौम में तमाम तर खराबियों के बावजूद अगर कौम से अक्सर अफराद अल्लाह के शुक्रगुज़ार गुजार हों उसके बंदों के साथ इंसाफ करने वाले और आपस में नेक नीयत और खैर करने वाले हों तो बिलाशुबा वो अल्लाह के हां मकबूल बंदे हैं और उन्हीं को दुनिया और आखरत की कामयाबियों की बशारत है और उन्हीं के लिए यह दुनियावी ऐश अल्लाह की बे इंतहा नमतों की अलामत है इन्हीं अल्फाज पर सैदिना साल का किस्सा इख्ताम को पहुंचा